नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। एक दिन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर थम जाए तो जैसे जिंदगी थम जाती है, कोहराम मच जाता है, जिंदगी में मानो एक विराम सा लग जाता है। आज के समय में हम सभी सोशल मीडिया पर इस कदर समय व्यतीत कर रहे हैं, उसका इस कदर हिस्सा बन चुके हैं कि इसके बगैर जीना जैसे मुश्किल सा लगता है। और कोरोना महामारी ने तो हमें इसका और कहिए कि आदि साहब बना दिया है, इसके और करीब ला दिया है। घर बैठे हम अपने दोस्तों परिवार से कनेक्ट करते हैं और आजकल आप एक वर्ड इसी सोशल मीडिया पर, इसी इंटरनेट की दुनिया पर एक वर्ड मेटावर्स बहुत सुन रहे होंगे। क्या आपने सोचा है कभी कि क्या है मेटावर्स? आखिर फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों कर लिया, या मेटावर्स के क्या कोई लाभ है, क्या नुकसान हो सकते हैं? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं जो लोग पूछ रहे थे लगातार, तो हमने सोचा चलिए आपके लिए एक वीडियो बना कर लाते हैं जिससे आपको मेटावर्स की दुनिया के बारे में पूरी जानकारी हम तसल्ली से दे सकें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम आपके सारे सवालों का जवाब जो है इत्मीनान से देते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने तो फेसबुक का नाम बदलकर मेटा, आपने सुना ही होगा। आखिर ये मेटा है क्या? क्या हम इसकी ये मेटा की जो दुनिया है, मेटावर्स जिसको कहते हैं, इसमें हम इस कदर डूब जाएंगे कि हम अपनी वास्तविक दुनिया से कट जाएंगे? क्या हम एक कल्पना की दुनिया में जीना सीख जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले मेटा शब्द जिसका अर्थ है बियॉन्ड, यानी इससे परे, इससे आगे, और वर्ड्स यूनिवर्स से लिया गया है, तो एक ऐसी दुनिया जो इससे भी आगे है, इससे भी परे है, यानी मेटावर्स ऐसी दुनिया जो वर्चुअल है, जो वास्तविक नहीं है, जो काल्पनिक है। अब मेटावर्स हमारी जिंदगी को किस कदर तब्दील करेगा, कितना बदलाव लाएगा, ये जानना भी जरूरी है। मेटावर्स की मदद से सारा काम किया जा सकेगा जो कि लोग सोचते हैं कि कल्पना में ही सोचा करते थे कि ऐसा हो सकता, जो कल्पना मात्र ही थी वो सारे काम आप मेटावर्स की दुनिया में कर सकेंगे। यानी एक तरह से ये एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां आप अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान दे सकेंगे। और ये जो दुनिया है वर्चुअल दुनिया, ये यूजर्स के लिए कुछ ऐसा काम करने में सक्षम होगा जिसकी मदद से यूजर खुद भी उस दुनिया में कहिए कि महसूस करेगा जैसे उसने प्रवेश कर लिया हो, और वो वास्तविक दुनिया और काल्पनिक दुनिया में फर्क नहीं समझ पाएगा, यानी उसको वो दुनिया भी असली की दुनिया ही महसूस होगी। साथ ही मेटावर्स के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसके माध्यम से आप ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा वातावरण का निर्माण कर सकेंगे जो लगेगा कि आपकी असली दुनिया में ही है और आप खुद उसमें एक रियल कैरेक्टर हैं, आप रियल लोगों के साथ खड़े हैं, उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ शॉपिंग कर रहे हैं, यानी वो सारी चीजें, तमाम चीजें जो आप वास्तविक दुनिया में करते हैं वो सब आप वहां कर पाएंगे। आप दोस्तों के साथ मिल पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, उनके साथ गेम्स खेल पाएंगे, उनको हग कर पाएंगे, उनको टच कर पाएंगे। अब मेटावर्स जो शब्द है इसका जिक्र पहली बार कब हुआ ये समझ लेते हैं। एक साइंस फिक्शन राइटर हैं जिनका नाम है नील स्टीफनसन, उनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था स्नो क्रैश नॉवल में। उन्हें मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था, नॉवल में बताया था कि 3D मॉडल की मदद लोग मिलते हैं और बात करते हैं, और इस नॉवल में लोगों के काल्पनिक और 3D जीवन के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। यानी नील स्टीफनसन ने इस दुनिया का जिक्र काफी पहले ही कर दिया था एक 3D जीवन नॉवल के माध्यम से, और यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये शब्द जो है आज हमारे सामने है। ये सारी बातें सुनकर आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमने बहुत सिर्फ सोचा ही है, कल्पना ही की है, ये दुनिया कब हमारे सामने होगी, कब हम इस दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे, कब हम रियल कैरेक्टर्स की तरह हम उस दुनिया में भी लोगों से मिल पाएंगे। तो इस ये जो तमाम सवाल है अभी इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मेटावर्स कब तक मार्केट में आएगा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी जो है फिलहाल हाथ नहीं है, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो है इस पर काम कर रही हैं और यही कहा जा रहा है कि इसे लॉन्च होने में अभी और कुछ साल लग सकते हैं क्योंकि इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और इसके
सामने आने में कुछ बने की क्यों है, ये कारण भी कहा जा रहा है कि यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब ये बहुत एक नया एक्सपेरिमेंट है और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस पर काम करने में बहुत वक्त लग सकता है, इसके बारे में कुछ सालों तक लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। में कैसा होगा मेटावर्स की दुनिया जैसा, अगर आप एक बड़ा सवाल है ये सोचते होंगे कैसी होगी ये दुनिया, तो मेटावर्स के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से आप एक 3D दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने परिवार से मिल सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको हग कर सकते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जो 3D होगी, 2D नहीं होगी, और इस दुनिया में अपने कैरेक्टर या अपने अवतार को आप उतार कर काल्पनिक जीवन भी जी सकते हैं, मतलब आप उस अपने अवतार को उसमें प्रवेश करा सकते हैं, दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आप वर्चुअल रूप से, आप अब तो मिलते हैं लोगों से लेकिन सिर्फ आप बात कर पाते हैं, देख पाते हैं, उनको छू नहीं पाते, उनको महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो मेटावर्स की जहां होगी उसमें 3D सब कुछ होगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा जो कि किसी भी अवतार को, आप जो भी अवतार बनाना चाहें वो हमारे अनुसार हम उसको बना पाने में सक्षम होंगे। और मेटावर्स की दुनिया में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। इस डिवाइस को पहनते ही आप एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाएंगे, वर्चुअल दुनिया जिसमें आपका अपना एक किरदार होगा जो आपके कंट्रोल में होगा, आप अपने हिसाब से उसे चला पाएंगे, और उसमें बहुत सारे और भी लोग होंगे उस दुनिया में जिनसे आप मिलेंगे। असली दुनिया की तरह ही उसमें सब कुछ होगा, उसमें करेंसी भी होगी, आप सामान खरीदेंगे बेचेंगे उसकी पूरी करेंसी होगी, या शायद आप जमीन भी खरीद पाए, तमाम मॉल होंगे जिसमें आप जाएंगे शॉपिंग करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वहीं पर हैं। आप वर्चुअल दुनिया में कोई चीज खरीदेंगे, बाजार जाएंगे, कपड़े देख सकेंगे, शॉपिंग कर सकेंगे, चीजों को पसंद कर सकेंगे, और यहाँ तक कि आप घर पर डिलीवरी भी आपकी हो जाएगी। जैसे आज हम घर बैठे सामान की डिलीवरी अपने घर पे कराते हैं, तो उस वर्चुअल दुनिया में यानी वो सब कुछ होने वाला है जो हम रियल लाइफ में करते हैं। और एक बहुत हैरानअंगेज बात यह भी है कि लोगों ने अभी से ही मेटावर्स की दुनिया में जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया है। ये जमीन असली तो नहीं होगी लेकिन इस पर लोग खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो करेंसी जो मेटावर्स की दुनिया में इस्तेमाल की जाएगी उसका इस्तेमाल कर लोग अभी से जमीन की बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि आने वाला समय कुछ ऐसा होगा जब सभी लोग वर्चुअली एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, यानी जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो आज जैसे हम देखते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह की गाड़ी में घूमते हैं, तो वही जो होगा वो सेम चीजें जो है आपकी उस काल्पनिक दुनिया में भी होगी, उस मेटावर्स की दुनिया में भी होगी। आप अपना दुकान बना सकेंगे, घर बना सकेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोग जमीन खरीदना शुरू करें, यानी वहां भी एक किस्म का कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जमीन का इस्तेमाल लोग लाइव इवेंट्स के लिए भी कर सकेंगे। अगर किसी को लाइव इवेंट्स करना है, जैसे हो सकता है कि आज से कुछ सालों के बाद जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो मेटावर्स की दुनिया में हो, तो उसके लिए इवेंट्स के लिए प्रोग्राम करने के लिए लोग उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सिंगर या कॉमेडियन चाहे वर्चुअल दुनिया में अपनी लाइव इवेंट्स कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, और लोग वहां पर उसको सुनने के लिए भी आएंगे। तो यानी कि इस दुनिया के पैरेलली समानांतर एक नई दुनिया का निर्माण किया जा रहा है जो वैसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहनेंगे तो आप उस दुनिया में खुद को महसूस कर पाएंगे, आपके सामने लोग आपको बैठे दिखाई देंगे। लेकिन जैसा कि हर दुनिया का हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, हर चीज में कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, वैसे मेटावर्स की दुनिया में भी कई लाभ हैं तो कई हानि भी हैं। तो एक एक करके मैं आपको उसका जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेटावर्स की दुनिया में क्या लाभ होने वाला है हमें। सबसे पहली बात तो यह है कि हम वर्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, जैसा कि कोरोना महामारी में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक वर्चुअल दुनिया पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना सहारा लेना पड़ेगा। हम अपने परिवार से, फ्रेंड्स फैमिली से बात करने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तमाम एप्स हमने इस्तेमाल किए, लेकिन हम एक वर्चुअल दुनिया में वर्चुअली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा कि मेटावर्स के माध्यम से, इसके इस्तेमाल से हमें बिजनेस के साथ ही लोगों से, हम एक तरह से PR पब्लिक रिलेशन बना पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे,
हमारा जो अवतार होगा जिसका हम क्रिएशन करेंगे वो हम अपने हिसाब से बना पाएंगे। हमें कैसा अवतार चाहिए, हम कैसा उसमें दिखना चाहते हैं, हम 3D गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे, 3D दुनिया होगी, कई नए दोस्त बनेंगे, हमारी समझ जो है टेक्नोलॉजी की उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। हम मेटावर्स में कई ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसके बारे में हम रियल लाइफ में सिर्फ सोचते हैं, यानी जो हमारी कल्पना शक्ति की उड़ान होती है उसको हम वहां पर एक अंजाम दे सकते हैं। लेकिन कई नुकसान भी होने वाले हैं। सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं कहूं तो लोग शायद इस जो वास्तविक दुनिया है इससे उकता जाए और जो काल्पनिक दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, उसमें जीना सीख जाए। हो सकता है कि आपसी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, रिश्ते हैं, उनसे दूर जाकर हम एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगे। हर किसी को किसी ना किसी चीज की दरकार होती है, चाहत होती है, वो हमें ना मिले तो हो सकता है हम उसकी तलाश वर्चुअल दुनिया में करें, जिसके कारण हो सकता है कि कई तरह के अपराध भी हो जाए। इसके इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा जो कि कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर, जैसा कि अभी भी बात चलती है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे जो बच्चे हैं सोशल मीडिया पर समय ज्यादा बिताने लगे हैं, लोग तरह तरह के एप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा है, तो हो सकता है ये हमारी सेहत पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाले। मेटावर्स की दुनिया का एक बहुत ही जो खतरनाक पहलू आप कहें वो ये भी हो सकता है कि जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो जैसा हम एक दूसरे को टच, फील, हैंडशेक, हग, ये सारे इमोशंस सुनकर अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे मॉलेस्टेशन के केसेस भी बढ़े। और माइंड यू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ इस तरह के केसेस आ भी चुके हैं, कुछ इस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर कंप्लेन भी की गई है कि छेड़खानी की गई है अवतार के साथ। तो क्या हम एक नए किस्म के अपराध को जन्म दे रहे हैं? और उसमें अगर कोई किसी को आप अपराधी कहते भी हैं जिसने कि मॉलेस्ट किया, तो वो कहता है कि ये तो एक फेक दुनिया है, ये एक रियल थोड़ा ही ना है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, इस पर काम करने की जरूरत है। मेटावर्स के आने के बाद कई परिणामों के बारे में हमें और जानकारी मिल पाएगी कि इससे हमारी सोसाइटी, समाज, रिलेशंस, बहुत सारी चीजों पर गहरा असर पड़ने वाला है। फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इस पर बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, जितनी तेजी से काम कर रही कई कंपनियां हैं, उसके बाद से तो ये है कि ये बहुत दूर भी नहीं है, दिल्ली पास ही लग रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया को ही, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया को ही हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम हमारे इरादे नेक हों, हमारे काम जो हो अच्छे हों। लेकिन उसके लिए हमें फिर किसी वर्चुअल दुनिया का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जहां सब कुछ होगा तो अल्टीमेटली फेक ही।